सो हेलो ऑसम पीपल, दिस इज श्रेयांश पाल, एके द 90s गाय। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई कस्टम रोम के अपडेट के साथ, जो कि MIUI XL का एकदम लेटेस्ट बिल्ड है हमारे मी 11 एक्स पोको F3 और रेडमी K40 के लिए। तो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते, चलिए शुरू करते हैं। आज उधर हम लोग चलेंगे फोन के अबाउट सेक्शन में, जहां पे हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोग को MIUI XL 22.10.26 हम लोग को यहां पे देखने को मिलता है, जो कि अक्टूबर 26 का बिल्ड है। इसके अलावा यहां पे अगर हम लोग ऑल स्पेक्स पे चलेंगे तो यहां पे हम लोग को नवंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, एंड्रॉइड 12 के ऊपर बेस है। इसके अलावा यहां पे हम लोग को जो कर्नल देखने को मिलती है वो नेक्सस कर्नल देखने को मिलती है, जो कि एपिस्ट्रीम 2.6y के ऊपर बेस है। होम स्क्रीन पे आए तो यहां पे जो हम लोग को लॉन्चर देखने को मिलता है MIUI लॉन्चर है। हम लोग को यहाँ पे कस्टमाइजेशन एक ह्यूज लेवल का देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और जिन लोगों को ज़्यादा ब्रीफ में देखना है तो वीडियो पॉज या स्लो डाउन करके आप देख सकते हो यहाँ पे कि कौन कौन से फीचर्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर ही अगर हम लोग बात करें इसके वॉलपेपर्स की, तो वॉलपेपर्स में हम लोग को कोई ज़्यादा ह्यूज लेवल का चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। मस्ट हैव में हम लोग को थोड़े बहुत एक्स्ट्रा वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से एक मैंने अपने होम स्क्रीन पर सेलेक्ट करके रखा हुआ है। यहीं पर अगर टाइल्स की बात करें तो टाइल्स में हम लोग को वही टिपिकल एंड्रॉइड 13 एंड्रॉइड 14 ऑलमोस्ट वैसा ही हम लोग को लेआउट देखने को मिल जाता है। टाइल्स ऑलमोस्ट हर एक देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर ही हम लोग को दो ऑप्शन देखने को एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक्सेल इन्फो, इसमें हम लोग को थोड़ी बहुत टीम्स के बारे में, जो कि मेंटेनर हैं उनके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक्सेल लैब पे चलें तो ये केवल नाम भर का, यहाँ पे हम लोग को कोई भी फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मे बी नेक्स्ट अपडेट में ये लोग ये सारे फीचर्स ऐड कर दें। यहीं पर यह नेटवर्क इंटरनेट सारी चीज़ों की बात करें तो वो एकदम परफेक्टली वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। डिस्प्ले में हम लोग को स्मूथ और डिस्प्ले में हम लोग को रिफ्रेश रेट जो है देखने को मिलता है डिफॉल्ट और कस्टम। इसमें कस्टम में आप 90 हर्ट्ज़ और 120 और 60 दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं जब से मैंने इंस्टॉल किया तब से मैं डिफॉल्ट ही यूज़ कर रहा हूँ। डिस्प्ले रेजोल्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है फुल HD प्लस, और इसके अलावा हम लोग को WQHD प्लस देखने को मिल जाता है, जो कि 1440p। इवन यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन देखने को मिलता है स्विच रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली टू सेव बैटरी, तो ये भी बढ़िया है, काफ़ी सही ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। AI इमेज इंजन में हम लोग को यहाँ पे सुपर रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, इनहेंस इमेज देखने को मिल जाता है, इसके अलावा इनहेंस इमेज इन्हेंसर देखने को मिलता है, AI HDR इन्हेंसर है, MEMC का भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दैट मीन्स कि फीचर्स के मामले में हम लोग को यहाँ पे इस रोम में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, अगर आप MIUI बेस्ड रोम कोई ढूंढ रहे हो तो। यहीं पर ही बैटरी की बात करें तो बैटरी का जो हम लोग को स्टैक कुछ इस तरीके का है, जहाँ पे मुझे 3 घंटे की बैटरी बैकअप अभी तक की मिला है, जिसमें अभी भी मेरे फ़ोन में 58% के आसपास बैटरी अभी भी बाकी है। डैट मीन्स कि आप अराउंड 7 से 8 से 9 आर का SOT आपको ईजिली देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैंने पबजी का गेम प्ले मैक्सिमम टाइम वही यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम लोग बात करें सिक्योरिटी के, तो सिक्योरिटी में हम लोग को फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक एकदम परफेक्टली वर्किंग देखने को मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। एडिशनल पे चलें तो यहाँ पे हम लोग को वही टिपिकल फीचर्स देखने को मिलता है, रैम एक्सटेंशन में आप 2 GB देखने को केवल मिलता है। स्पेशल फीचर्स पे चलें तो वही टिपिकल हम लोग को यहाँ पे केवल फीचर्स देखने को मिलते हैं। होम स्क्रीन पे वापस आएँ तो जो बाय डिफॉल्ट कैमरा हम लोग को देखने को मिलता है वो लेटेस्ट MIUI कैमरा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें आपको हर एक लेंस वर्किंग देखने को मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो वाइड एंगल है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 48 मेगापिक्सल, वो भी एकदम परफेक्टली वर्किंग देखने को मिलता है। वीडियो में चलें तो यहाँ पे हम लोग को 4K 30 FPS ही केवल देखने को मिल जाता है, 60 FPS हम लोग को कोई भी इनेबल्ड देखने को नहीं मिलता, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे चलें इसके यहाँ पे हम लोग को 4K 60 FPS भी इनेबल देखने को मिलता है, केवल HDR में हम लोग को 4K 30 FPS तक की इनेबल्ड चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हम लोग को 1080 60 1080 24 FPS 24 FPS, जो कि मोबाइल और फोन्स में हम लोग को शटर और लैग देखने को मिलता है, वो चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी। 4K में हम लोग को 24 FPS भी सपोर्टेड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी तगड़ा और ह्यूज लेवल का यहाँ पे हम लोग को चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग आए इसके एंटूटू बेंचमार्क और सारी चीज़ों पे, एंटूटू बेंचमार्क हम लोग को काफ़ी तगड़ा देखने को मिला है, 7 लाख के आसपास है। और यहीं पर स्टोरेज टेस्ट की बात करें तो हम लोग को 33,000 के आसपास देखने को मिला है। यहीं पर अगर गीकबेंच की बात करें तो वो भी हम लोग को यहाँ पे काफ़ी तगड़ा देखने को मिला है, सिंगल में 1018 है और मल्टी में हम लोग को 3334 देखने को मिलता है, जो फिर काफ़ी बढ़िया स्कोर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। यहीं पर अगर हम लोग ML टेस्ट की बात करें, ML टेस्ट में CPU हम लोग को 378 है और GPU की बात करें तो 1339 देखने को मिलता है। CPU टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम GIPS 3000 के आसपास देखने को मिला है,
एवरेज की बात करें तो 2,78,000 है, 83% मैक्स आउट परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। यहीं पर ही अगर सेफ्टी नेट की बात करें तो सेफ्टी नेट का जो रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है, बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिलता है। डीआई इन्फो में हम लोग को वाइड वाइन L1 देखने को मिल जाता है, पबजी में हम लोग को स्मूथ और 90 FPS भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और कोई चीज यहाँ पे बाकी नहीं रह गई, अब आते हैं हम लोग अपने कंक्लूजन वाले पार्ट पे। तो डेफिनेटली जो लोग MIUI बेस्ड कस्टम रोम ढूंढ रहे हैं उनके लिए एकदम वन स्टॉप पॉइंट है। अगर आपको ज्यादा फैंसी चीजें वो सब नहीं चाहिए, एक हिसाब से आपको फीचर्स कूट कूट के भरे हुए हैं इसमें एक्चुअल में, क्योंकि अगर यहाँ पे सुपर रेजोल्यूशन की बात करें, रिफ्रेश रेट आपको 90 FPS सपोर्टेड देखने को मिलता है, कैमरा आपको लेटेस्ट देखने को मिलता है, इवन उसमें हम लोग को फीचर्स काफी ज्यादा इंप्रूव और काफी अच्छे से इंप्लीमेंट होते हुए वहाँ पे हम लोग को देखने को मिले हैं। यहीं पर ही अगर UI की बात करें तो UI में भी हम लोग को किसी तरीके के कोई भी सेटर और लैग नहीं देखने को मिला है। इवन गेमिंग की बात करें तो गेमिंग में भी हम लोग को काफी कॉन्स्टेंट FPS देखने को मिलते हैं। आप गेम प्ले एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप खुद ही ये चीज़ डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल ओवर मुझे यहाँ पे बैटरी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, कि एक हिसाब से मुझे ऑलमोस्ट 7 से 8 hours का SOT आपको ईजिली ये निकाल के दे देगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।